सर्वार्थनामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युत्तन्नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकम् पुस्तकं चापरेण हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना सामेवाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना सामेवाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना सामे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मानिलेभ्यो नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् सर्वज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढं व्रतः आदित्येन च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकं प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य विव्यतिदेवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्
बहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा ते युक्तः श्रूयतां नरः इष्ट्वाभुवनश्च भगवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मि श्रीमान् शत्रुविवर्षणः विपुलां सो महाबाहु कम्बुग्रीवो महामनु महारस्को महेश्वासो गूढचतुररिन्दमः आजानुबाहु सुशीलः सुललाटः सुविक्रमः समस्तं विभक्तांगः स्निग्धवर्णप्रतापवान् दीनवक्षाविलाक्षो लक्ष्मीवाञ्चुवलक्षणा धर्मज्ञसर्वसन्नश्च राजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रापरिमहश्रीमान् धातारिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिमानवान् सर्वलोकप्रियः साधु अधीनात्मा विचक्षणा। आज हम 16 से 20 तक पढ़ेंगे। Today we'll start from 16 to 20। सर्वदाभिगतः सद्भिः सर्वदाभिगतः सद्भिः सर्वदाभिगतः समुद्र इव सिन्धुभिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः। यहाँ देखिए द्वित्व होगा, सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः सर्वदाभिगतः सद्भिः। भी को महाप्राण है, ब नहीं है, भी सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः। पूरा श्लोक पढ़ेंगे। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव
तदेक प्रियदर्शनः सच सर्वगुणोपेतः सच्च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः सच्च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमं
रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रियं दशरथसुतं प्रियं दशरथसुतं तमेवं गुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं गुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमं तमेवं गुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं इन पांच श्लोकों में नारद सभी गुणों से युक्त राम नाम से प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश राजपुत्र के बारे में वर्णन किया। सर्वदाभिगत सद्भिः सर्वदा हमेशा सिंधुभिः समुद्र इव सिंधुभिः नदियों नदियां जिस तरह समुद्र की ओर चलती है समुद्र में जाके मिलती है वैसे ही रामं सर्वदा अभिगत सद्भिः सद्भिः सज्जनों से सर्वदा हमेशा राम से मिला रहते हैं मतलब सज्जन लोग हमेशा राम को मिलते हैं जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती हैं वैसे ही सारे सज्जन लोग राम से मिलते हैं इसलिए राम को घेरा हुआ रहते हैं सज्जन लोग राम के चारों तरफ रहते हैं सदा सर्वदा सद्भिः अभिगतः संगतः अभिगत माने संगत है किनसे सद्भिः सद्भिः माने सज्जनों से समुद्र इव सिंधुभिः इधर तुलना कर रहा है वाल्मीकि सिंधु मतलब नदी समुद्र माने समुद्र जानते ओशन राम समुद्र जैसा है नदियां सज्जन है इसलिए नदियां जिस तरह राम में समुद्र में मिलती हैं उसी तरह सज्जन लोग राम से मिलते हैं इसका अर्थ यह है सर्वदा भिगत सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमष्टिव आर्यः पूज्य है वंदनीय है सर्वसमष्टिव समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखने वाला समान बुद्धि वाला सदा सर्वदा एक प्रिय दर्शन सभी को प्रिय दिखाने वाला सभी इसको चाहते हैं इसलिए ऐसे सभी मानवों को ये प्रिय दिखने वाला राम है So Narada continues in the 16th shloka. He says that all good people, all noble people are from all over the world are drawn to Rama as the all rivers are going to the ocean. And he conducts himself he conducts himself properly at all times. He looks at everybody the same way. He doesn't put anybody higher or lower, and he always is charming. He always attracts people from all around. Everybody wants to be near him. So not all everybody, but especially the good people like river flowing to the ocean. Sacha sarva gunopetaha, sacha aur vaha, wo Ram, sarva gunopetaha, samastu gunon se yukt. सभी गुणों से युक्त उपेतः माने युक्त कौसल्यानंद वर्धन कौसल्या का आनंद वर्धन मतलब आनंद का बढ़ाने वाला कौसल्या का पुत्र है ये ज्येष्ठ पुत्र है बड़ा बेटा है कौसल्या की बेटा है इसलिए उस कौसल्या का आनंद को बढ़ाने वाला
समुद्र इव गांधीर्ये, गांधीर्ये, गांधीर्ये मतलब गहराई में, ये समुद्र जैसा है। समुद्र जितना गंभीर होता है उसी तरह राम भी गंभीरता में समुद्र जैसा है। धैर्येण हिमवानिव, धैर्य से ये हिमवान जैसा है, हिमालय पर्वत जैसा है ये धैर्य में। ऐसे सच सर्व गुणों पे तहा, समस्त गुणों से युक्त कौशल्यानंद का वर्धन, अभिवर्धन, वर्धन करने वाला, बढ़ाने वाला, गांभीर्य में, गभीरता में समुद्र जैसा है, धैर्य से हिमवान जैसा है। सो ही इज अ पर्सन विच हैज ऑल ग्रेट क्वालिटीज एंड ही इज द वन हु इंक्रीजेस द हैप्पीनेस ऑफ हिज मदर कौशल्या। ही इज एज कंपोज्ड एज अ ओशन एंड इज एज कॉन्फिडेंट एज द बिग हिमालयस। So not that he is has only these qualities, but he's so composed, so serious, and so deep as the ocean, and his confidence cannot be moved as we cannot move the Himalaya. Vishnuna sadrsho virye, Vishnuna sadrsha, Vishnu se saman hai, Vishnu jaisa, विष्णु तरह, विष्णु की तरह वीर्य में, पराक्रम में ये भगवान विष्णु की तरह। सोमवत् प्रियदर्शनः, सोमवत्, सोम माने चंद्र, चंद्रमा, चंद्रमा को देखने से कितना अच्छा लगता है, ऐसे इनको देखने से सभी को प्रिय लगता है, इसलिए प्रिय दिखाने वाला, सोम जैसा, चंद्र की तरह प्रिय दिखने वाला। कालाग्नि सदृश क्रोधे, क्रोध कभी नहीं आता है, आएगा तो कालाग्नि सदृश, कालाग्नि सदृश मतलब काल माने प्रलय, प्रलय के समय जिस तरह क्रोध आने, प्रलय के अग्नि होती है, कालाग्नि होती है, उस अग्नि की तरह ये भी क्रोध में होता है। क्रोध सामान्य रूप से नहीं आता है, परंतु आएगा तो प्रलय की अग्नि की तरह इसका क्रोध होता है। क्षमया पृथ्वी समहा, क्षमया, क्षमया मतलब क्षमा गुण से ये धरती की समान है। जैसे माँ धरती सब कुछ सहन करती है, वैसे ही ये उसकी तरह क्षमा में पृथ्वी का समान है, धरती का समान है, वसुंधरा के समान है। So he is comparable to Lord Vishnu in his valor, in his quality. He is like Lord Vishnu, because he is actually his incarnation. He is pleasing as the moon. So whenever we see the moon in the sky, especially the full moon, we are so attracted to the full moon. In the same way, when you look at Rama, people were attracted to him. He never gets angry, but if he gets angry, his anger is so powerful that it burns down the world. He looks kala agni sadrisha, the fire that destroys. He gets so angry. But in the same time, he forgives everybody like Mother Earth. So he gets angry, but in the same time, he can also forgive. Dhanadena samastyage, tyage, देने में, दान में, सब कुछ देना, दान, त्याग माने सब कुछ देने के, दान करने में। धन देना, कुबेर, जो हमारे पुराण के हिसाब से धन का स्वामी है कुबेर, ऐसे कुबेर से समान है ये, समहा, कुबेर से तुल्य, मतलब कुबेर जैसा ये भी देने में, दान करने में समान है। सत्य धर्म इवापरः, सत्य बोलने में, सत्य निभाने में अपर धर्म है, अपर, अपर मतलब दूसरा धर्म है, यही धर्म है, धर्म देवता है, मतलब यमराज को भी बोलते हैं, यमराज को भी धर्म की देवता बोलते हैं, ये सत्य निभाने में यम की तरह है।
So he's in charity, in giving, he's equal to Kuber, and Kuber is the god of treasure, god of riches. And in the same way, he is like the god of Dharma, the god of truth incarnated. He adheres to, he tells the truth, he follows the truth, he does everything truth according to the truth. So he is like Yamraja, the other name for the god of Dharma. Tamevam gunasampannam, tam, usko, evam gunasampannam. Is prakar, purvokt, jitne bhi mere dwara kahe gaye gun hai, un gunon se sampann yukt, ramam, ram ko, सत्य पराक्रमम, सत्य से ही पराक्रम वाला, विक्रम वाला, ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर युक्तम, ज्येष्ठम पुत्रम, सुतम सुतम, ज्येष्ठम सुतम, बड़ा बेटा, चार बेटे हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो ज्येष्ठ है, और श्रेष्ठ गुणैर युक्तम, अत्यंत श्रेष्ठ विशिष्ट गुणों से युक्त रामम प्रियम, प्रियम रामम, चार बेटे हैं, चारों प्रिय है, लेकिन अत्यंत प्रिय राम है, बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, उस बेटे को प्रियम सुतम दशरथः। आगे श्लोक में 21वां श्लोक में है, युवराज के अभिषेक करने के लिए सोचते हैं, वो कल अब पढ़ेंगे, युवराज पद पर बिठाने के लिए चाहते हैं, ऐच्छत इति महीपति ही ऐच्छत करके अगले श्लोक में आएगा, वो अन्वय है। इस श्लोक में सिर्फ इतना ही बोला गया, दशरथ राजा दशरथ अपने बड़े बेटे और सर्वी गुणों से युक्त, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, अत्यंत प्रिय अपने बेटे को युवराज पर पद पर बिठाने के लिए, अभिषेक करने के लिए सोचा है। सो इन दिस 20th श्लोका एंड इन द नेक्स्ट श्लोका विच वी विल डू टुमारो और नेक्स्ट टाइम, द दशरथ द लॉर्ड ऑफ द लैंड द किंग एट दैट टाइम ही थॉट ऑफ क्राउनिंग द रामा हिज एल्डेस्ट सन। ही वाज नॉट ओनली हिज एल्डेस्ट सन बट ही वाज द ही लाइक्ड हिम द मोस्ट। He had four sons, Ram, Bharat, Lakshman and Shatrughun. And these four sons, out of these four sons, he loved Rama the most. And that Rama, who had all these qualities which were described in the previous shlokas, and who was a person of true valor and great character, and he is interested in the welfare of the people, he wanted to crown him as a prince. So in this shloka, it's this 20th shloka, it's only said that Rama, who has all these qualities, was the most beloved son of King Dashrata and his oldest son, and full of this and follower of the satya, the truth, and so on. So in next shloka, Dashrata wanted to crown him. In shloka mein char pad hai. देखिए इव सदृश समह वत, ये चारों पद संस्कृत में सादृश्यवाचक शब्द बोलते हैं, अव्यय होते हैं, सादृश्यवाचक तुलनात्मक कंपैरिजन के लिए ये पद्यों में लिखा जाता है। सो दिस फोर वर्ड्स इव सदृश Samaha and Vata, they are four words which are actually telling the similar, like. Pahele shlok mein dekhe, sarvadabhigata saddhihi samudra iva sindhubihi. Samudra iva, samudra ki jaisa, matlab ki tarah, samudra ki tarah. So in 16th shloka we have samudra iv, which is like the ocean. सच सर्वगुणोपेतः समुद्र इव गांभीर्ये, दूसरे श्लोक में बोला गया दोबारा, समुद्र इव गांभीर्ये, समुद्र की तरह गंभीरता में, गहराई में समुद्र की तरह है।
ऐसा तुलना करते इज कंपेयर्ड इन द 17th श्लोका इन द सेकंड पार्ट समुद्र इव गंभीर्ये सो ही इज एज डीप इन अ थॉट कंपोज्ड एज द ओशन विष्णुना सदृशो वीर्ये सदृशः विष्णुना सदृशः विष्णु से समान विष्णु जैसा मतलब जैसा विष्णु पराक्रम में अत्यंत प्रसिद्ध है उसी तरह वीर्य में राम विष्णु की तरह मतलब साक्षात विष्णु और राम में तुलना है कंपेयर किया तो दोनों बराबर है सदृशः विष्णुना सदृशः So फिर नेक्स्ट है इन 18th इट्स विष्णु विष्णुना सदृशो वीर्यम सो इट्स सदृश इज लाइक सो ही इज लाइक विष्णु सेम एज विष्णु सोमवत् प्रियदर्शनः सोमवत् चंद्र जैसा मतलब चंद्रमा जैसा ये प्रियदर्शनः प्रिय दिखने वाला ऐसा वत् इधर आया ये युवा और वत् ये दोनों प्रथमा विभक्ति से जुड़ता है देखिए आप समुद्र इव समुद्र जैसा समुद्र की तरह फिर सोमवत् सोम जैसा मतलब चंद्रमा वत् ये दोनों प्रथमा विभक्ति से जुड़ते हैं प्रथमा विभक्ति माने समुद्रः समुद्रम समुद्रेण समुद्राय समुद्रात समुद्रस्य समुद्र ऐसा सात विभक्तियों में रूप चलता कर्ता ने कर्म को ऐसा व्याकरण करें उसमें प्रथमा विभक्ति में समुद्र इव फिर सोमवत् रामवत् रामवत् वर्तित रामादिवत् वर्तितव्यम न रावणादिवत् ऐसा एक वाक्य भी करते हम श्लोक पढ़ेंगे रामायण पढ़ेंगे क्या सीखेंगे मतलब रामादिवत् वर्तितव्यम राम जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए न रावणादिवत् रावण आदि जैसा हमें नहीं करना इसलिए ये प्रथमा विभक्ति में आता है सदृशः आने पर तृतीय विभक्ति होती है सदृशः विष्णुना सदृशः विष्णुना सदृशः रामेण सदृशः मया सदृशः त्वया सदृशः तेन सदृशः ऐसा सदृशः जब भी आएगा तब तृतीय विभक्ति होती है शब्द का तृतीय विभक्ति युव सभावत आने पर प्रथमा विभक्ति होती है फिर नेक्स्ट कौन सा है हमें समह समह माने क्या है वहां भी तृतीय विभक्ति होती है इसलिए इन दोनों में तृतीय विभक्ति इन दोनों में प्रथमा विभक्ति इसलिए युव प्लस वत् प्रथमा विभक्ति फिर सदृश सम इसमें तृतीय विभक्ति इसलिए आपको श्लोक में यही देखने को मिलेगा सर्वदाधिगत सद्भि समुद्र इव सिंधुभि आर्य सर्व समश्चैव सदैक प्रियदर्शनः सो हियर We have these four words, which means like, as, similar to, and we can see that sam and vat are coming only in nominative, and samaha and sadrishaha are coming in in dative. So once, actually, this is not a grammatical class, but it's one fun way or easy way how to learn the grammar, Sanskrit grammar. Because you can, if you learn little by little, we will know later that we can expand. Otherwise, if you go by the rules, we will all get bored. ये चार उपमा अलंकार बोलते हैं। अलंकार होता है काव्य में, उसको उपमा अलंकार बोलते हैं। उपमा अलंकार। Comparison. ये उपमा में उपमानम उपमेय सादृश्य वाचक और समान धर्म उपमान उपमेय सादृश्य वाचक समान धर्म ये चार जहां होते हैं वहां उपमा अलंकार होता है सो वी विल हियर वी आर हियर हैविंग द कंपैरिजन
It's called Upamalankar, in which we have Upaman, is what is compared, Upame with what is comparing, Sadrishya Vachak, the word which says like or as, Rama as Vishnu, or Rama like Vishnu, and Saman Dharm, like how we are comparing. So Rama is as beautiful as moon, Rama is as beautiful as Vishnu or as strong as Vishnu. So we have Upaman, Upame, Sadrishya. Upaman hai. उपमान जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है, जिसको जिससे तुलना। अब राम के बारे में बोल रहे हैं, रामह उपमेय है, विष्णु उपमान है, रामह उपमेय है, समुद्र उपमान है। उन दोनों को तुलना करने वाला वाचक शब्द है इव, सदृश, वत, सम। ये चार सादृश्य वाचक। फिर समान धर्म क्या है? समुद्र में भी गंभीरता है, राम में भी गंभीरता है, दोनों में धर्म समान है, इसलिए समान धर्म एक होने पर दोनों में तुलना, उपमान उपमेय दोनों में समान होने पर ही उपमा अलंकार होता है। सादृश्य वाचक होने पर समुद्र नहीं होगा, लेकिन ये चारों मिलने पर ही उपमा अलंकार होगा। राजा कुत्ते जैसा विश्वास पात्र है, एक वाक्य में बोल रहा हूं, राजा कुत्ता जैसा विश्वास पात्र है। संस्कृत में बोला तो राजा शुनह इव श्वा इव विश्वास पात्र। तभी हमने उपमान है, उपमेय है, सादृश्यवाचक है, समान धर्म भी है। समान धर्म क्या है? विश्वास पात्रता। राजा में भी विश्वास पात्रता है और कुत्ते में भी है, लेकिन यहां समान धर्म में वो सुंदरता नहीं है, सादृश्य शोभा नहीं है। सादृश्य की शोभा होने पर ही उपमा अलंकार होता है। राजा कहां है, कुत्ता नीच जाति का कहां है, उन दोनों में तुलना करना अच्छा नहीं है। चार हुआ फिर भी वहां उपमा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि सादृश्य में शोभा नहीं है। इसलिए इधर सभी श्लोकों में सादृश्य में शोभा है, उपमेय राम है, उपमान कहीं समुद्र है, कहीं विष्णु है, कहीं चंद्र है, ऐसा एक एक का विशेषण है, उसका सादृश्य शोभा है, इसलिए उपमा अलंकार। इन श्लोकों में उपमा अलंकार वर्णित है। So this is called Upama Alankar, which means the beautiful comparison or comparison, which, for example, we are comparing the depth of the ocean to the depthness of the Rama, the strength of the Vishnu with the strength of Rama. But for example, if we compare that the king is as trustworthy as the dog, this will not be Upama Alankar, because it's not giving any beauty in the sense that it is comparison, but it's not called this Upama Alankar because it doesn't give the beauty. When you have compared Rama with the moon, the Rama's face with the moon, there is a beauty in both. But when you compare king with the dog, there is no beauty at all. So only when there is a beauty, it's called this Upama Alankar. We will repeat again. सर्वदाभिगत सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः, सर्वदाभिगत सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः, आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रियदर्शनः, आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रियदर्शनः, सर्वदाभिगत सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः, आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रियदर्शनः, सर्वदा विगत सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः, आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रियदर्शनः, स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः, स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः, समुद्र इव गांधीर्ये धैर्येण हिमवानिव, समुद्र इव गांधीर्ये
देर्येन हि ममानिव सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हि ममानिव सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हि ममानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समा विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समा धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापरः धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् त्वमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् धनदेन समस्तागे सत्ये धर्म इवापरः त्वमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः त्वमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतम् ठीक है, कल इसे ये किस शुरू करेंगे? ठीक है, कल तो नेक्स्ट अगले हफ्ते ये 20 श्लोक याद रखेंगे बिना देखे हम बोले अगले हफ्ते कोशिश करेंगे जितना बोल सके उतना हमारे पास ही रखे लेकिन इसको नहीं देखे दरवाजा So we will try to remember this 20 shloka next week and then we will continue after 1 week. So I would like to thank you for your professor again, for your time and for the patience. Thank you.